everyone. In this session, we will discuss about the solution of questions of mock test of chapter alternating current. Let's discuss these questions one by one in details. So our first question is, which of the following quantities remain constant in the step down transformer? Current, voltage, power, none of these. जो ट्रांसफार्मर है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें जो पावर होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास यहाँ पे सी. नेक्स्ट, द वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंगली टू द इक्वेशन बी इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी वेयर टी इज इन सेकेंड एंड बी इज इन द वोल्ट्स. देन हमें क्या फाइंड करना है? पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज 100 वोल्ट, पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स इज 50 वोल्ट, पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स इज 100 बाय रूट 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 50. तो यानी कि ऑप्शन में हमें पीक वोल्टेज की बात की गई है, तो हम पीक वोल्टेज निकाल लेते हैं. हमारे पास जनरल जो वोल्टेज की इक्वेशन होती है दैट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे ले लेते हैं हम. ठीक है, तो ये वी नॉट क्या है? दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज. हमें इसी की वैल्यू जो है वो निकालनी है. अब क्वेश्चन में हमारे पास वोल्टेज कितनी गिवन है? दैट इज 100 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी. ठीक है, अब देखो ये मैंने सिर्फ साइन वाली टर्म लिखी है, तो यहाँ पे तो कॉस वाली टर्म भी है, तो पहले हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. कैसे? हमें इस पूरी टर्म को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना पड़ेगा. तो इस टर्म को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड कर दूं, 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी. अब देखो ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये बना साइन 2 थीटा. थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे वैल्यू? 100 पाई टी. तो ये यहाँ पे क्या आ गया? 50. तो v की वैल्यू क्या मिली? 50 साइन 200 पाई. अब अगर इसको हम कंपेयर करें तो हमें पीक वैल्यू वोल्टेज की कितनी मिल रही है? 50 वोल्ट. तो ऑप्शन जो b है दैट इज द करेक्ट आंसर. पीक वोल्टेज हमें सोर्स की मिल रही है 50 वोल्ट. ठीक है, फ्रिक्वेंसी चेक करनी है तो यहाँ पे कंपेयर करो, ओमेगा की जगह क्या आ रहा है? That is 200 pi. Omega को हम लिख सकते हैं 2 pi f is equal to 200 pi. Pi से pi cancel और ये यहाँ से 100 आ गया. तो frequency भी कितनी मिल रही है? 100 hertz मिल रही है. ठीक है, तो ये frequency वाला option तो wrong ही है. ये peak value जो है voltage की हमें कितनी मिली? 50. So B option is the correct answer. Next, एट हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटर ऑफर मोर रिएक्टेंस, लेस रिएक्टेंस, जीरो रिएक्टेंस या इन्फिनाइट रिएक्टेंस. अब हमें पता है कैपेसिटर की रिएक्टेंस को हम कैसे लिखते हैं? एक्स सी. और ये किसके इक्वल होती है? 1/ωc. ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf इंटू सी. यहाँ पे सी क्या है? कैपेसिटेंस हो गई कैपेसिटर की. ठीक है, और एफ क्या है यहाँ पे? फ्रिक्वेंसी. अब क्या बोला है? हाई फ्रिक्वेंसी. अगर एफ हाई है तो एक्स सी जो है कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी? 2 मिलेगी. हाई फ्रिक्वेंसी पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी. ठीक है, इनवर्स रिलेशन है यहाँ से, एक्स सी जो है इनवर्सली 1/f के साथ वेरी कर रहा है. तो अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो रिएक्टेंस क्या मिल रही है? कम मिल रही है. सो ऑप्शन बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, लेस रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस 12 ओम. रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम की मैंने है. इम्पिडेंस जेड की वैल्यू कितनी है? 15 ओम. द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज. अब हमें पावर फैक्टर निकालना है. पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है? कॉस फाई के. अगर मुझे कॉस फाई की वैल्यू मिल जाए तो मैं पावर फैक्टर निकाल सकती हूँ. ठीक है, तो
यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस गिवन है और एक इम्पीडेंस गिवन है। अब मुझे पता है कोई भी डायग्राम अगर लूँ, जैसे मान लो ये करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और वोल्टेज जो है वो सेम फेस में होते हैं, तो वी आर भी इस तरफ होगी, रेजिस्टेंस भी इस तरफ होगी, ठीक है। इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज आगे होती है तो वी नॉट एल इस तरफ आएगी। कैपेसिटर में क्या होता है, करंट आगे होता है तो वी नॉट सी हम इस तरफ बनाते हैं। अब हमें यही डायग्राम इम्पीडेंस की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे इम्पीडेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरफ हमारे पास इम्पीडेंस क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आर की रेजिस्टेंस आर और इंडक्टर की रिएक्टेंस एक्सएल, ठीक है, और इस तरफ एक्ससी। अब हमें क्वेश्चन में ये ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, उन्होंने जस्ट एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी, एक इम्पीडेंस दे दी। इम्पीडेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस होती है सर्किट की, ठीक है। अब मान लो ये इम्पीडेंस की डायरेक्शन जो है हमने इस तरफ ले ली, हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि सर्किट में एक्स एल और एक्स आर है, तो ये एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, फाई, टोटल इम्पीडेंस का, ठीक है। अगर यहाँ से हम कॉस फाई निकालें तो क्या मिलेगा हमें, अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट कर ले तो ये एक्स एल है, इस तरफ एक्स एल मिलेगा और ये बेस आर है और ये जेड है। कॉस फाई क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि आर बाई जेड, ये तो इससे आ गया। अगर यहाँ पे करना हो तो अगर आर और कैपेसिटर आरसी सर्किट है तो उसकी रिजल्टेंट जो इम्पीडेंस है इस तरफ होगी, ठीक है। ये ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें कोई सर्किट गिवन ही नहीं है कि पूरा कौन सा है, ठीक है। तो ये एंगल फाई आ जाएगा, अब इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं, ये एक्स सी आ जाएगा और ये यहाँ पे आर आ गया। तो अगर इस ट्रायंगल से हम कॉस फाई निकालें तो वो क्या मिलेगा, बेस कितना है यहाँ पे आर, ठीक है, हाइपोटेनियस कितना मिल रहा है जेड, तो दोनों सिचुएशन में कॉस फाई की वैल्यू आर बाई जेड ही तो मिल रही है। तो हम पावर फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ से, कॉस फाई की वैल्यू क्या है, आर बाई जेड, तो आर कितना है 12, जेड कितना है 15, तो ये कितना बना हमें, 3 4s 12, 3 5s 15, 4 by 5, अगर इसको डिवाइड करें तो ये 0.8 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंडक्टेंस ऑफ 1 mH कंडेंसर ऑफ 10 μF रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, इंडक्टेंस यानी कि इंडक्टर की वैल्यू 1 mH है, इसको क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻³⁻³ हेनरी। कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस कितनी गिवन है, कैपेसिटर ये कंडेंसर क्या है, कैपेसिटर ही होता है, की कैपेसिटी कितनी गिवन है, 10 μF यानी कि 10 × 10⁻⁶ फेरेड, ये आ गया 10⁻⁵ फेरेड। रेजिस्टेंस हमारे पास है 50 ओम, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये एलसीआर सर्किट बन रहा है, एलसीआर सीरीज, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गई, यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे इंडक्टर, सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ये सप्लाई दे दी हमने, एसी सप्लाई। इधर रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कंडेंसर आर सेम, तो इंडक्टर की रिएक्टेंस क्या होती है, एक्सएल, कैपेसिटर की एक्ससी, ये दोनों क्या है, सेम गिवन है। द रिएक्टेंस ऑफ आइदर ऑफ देम, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, अगर दोनों सेम है तो एक्सएल क्या होता है हमारे पास, ओमेगा एल, और एक्स सी क्या होता है, 1 by ओमेगा सी, दोनों इक्वल है ना यहाँ से। तो इस रिलेशन को अगर हम यूज करें तो यह क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by LC। यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, एल की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻³⁻³, कैपेसिटर की 10⁻⁵, ये कितना बना, 1/10⁻⁸, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 10⁻⁸, स्क्वायर रूट लिया तो 10⁻⁴, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब हमें उन्होंने पूछा है किसी भी एक रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि जो दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, तो एक्सएल निकाल लेते हैं, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा कितना है 10⁻⁴, एल की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻³⁻³। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या बना, 10 ओम, तो
वैल्यू क्या आएगी? 10 ओम. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द करंट फ्लोइंग इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फ्रॉम 220 टू 22 वोल्ट हैविंग इम्पीडेंस इज. तो इम्पीडेंस कितना गिवन है? 220 ओम. अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, डाउन स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है कि आउटपुट में हमें वोल्टेज जो है वो कम मिलेगी. तो कितनी वोल्टेज मिल रही है सेकेंडरी में? कितनी वोल्टेज मिलेगी? 22 वोल्ट मिलेगी. स्टेप डाउन का मतलब ये होता है ना कि जो ट्रांसफर हमें आउटपुट में कम वोल्टेज दे रहा है. तो सेकेंडरी में वोल्टेज कितनी मिल रही है? 22. अब हमें करंट निकालना है, करंट क्या आ जाएगा? वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस यानी कि इम्पिडेंस. तो ये कितनी है? 22. डिवाइडेड बाई 220, तो ये बना 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर ही आएगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इफ ई इज 100 sin 100 t वोल्ट एंड आई की वैल्यू दी गई है हमें मिली एम्पियर में है ये करंट की वैल्यू. आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर. तो हमें वोल्टेज जो है वो इक्वेशन क्या गिवन है? साइन 100 t. अगर इसको हम कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से साइन ऑफ ओमेगा टी, तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी मिल गई हमें? पीक वैल्यू कितनी मिल गई? 100. अब हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है. तो एसी करंट है ये, एसी करंट की आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं? ई नॉट बाई रूट टू. तो ये यहाँ से 100/√2 वोल्ट आ गया. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 70.7 वोल्ट कुछ बन रही है, यानी कि सी और डी ऑप्शन तो सीधा ही चलेगा. अब इन दोनों में देख लेते हैं, करंट की इक्वेशन क्या गिवन है? 100 sin 100 t प्लस π/3. ठीक है, दोनों में वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना है? π/3, और करंट आगे है क्योंकि इसमें प्लस π/3 हो रहा है. ठीक है, तो हमें यहाँ से अगर कंपेयर करना हो, जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? ये होती है. अगर कंपेयर करें तो पीक वैल्यू जो करंट की वो कितनी आ गई? 100. तो आरएमएस वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? I0/√2 यानी कि 100/√2. तो ये कितना मिला हमें? 70.7. और देखो ये करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में है, तो ये मिली एम्पियर में वैल्यू. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मिली एम्पियर में है करंट. नेक्स्ट, एन आइडियल चोक, चोक क्या होता है? इंडक्टर को ही बोला जाता है. इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर. तो एक इंडक्टर है जिसने करंट कितना ड्रॉ किया? 8 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट. तो एक इंडक्टर है, उसको एसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है. ठीक है, तो इसने करंट कितना ड्रॉ किया? 8 एम्पियर. ये सप्लाई कितनी है? 100 वोल्ट. फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्स. अ प्योर रेजिस्टर ड्रॉज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स. अगर इस इंडक्टर की जगह रेजिस्टर्स लगा दें सेम सोर्स के साथ, ये आर है ये एल है. ठीक है, तो ये करंट कितना ड्रॉ कर रहा है? 10 एम्पियर रेजिस्टेंस. द आइडियल चोक एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज देन कनेक्टेड टू द एसी सोर्स. अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया उन्होंने, तीसरी सिचुएशन दे दी, चोक और रेजिस्टर, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द एसी सोर्स. और यहाँ पे सप्लाई कितनी है? 150 वोल्ट. फ्रिक्वेंसी कितनी है? 40 हर्ट्स. द करंट इन द सर्किट बिकम्स, हमें इस सर्किट में करंट की वैल्यू निकाल. अब अगर हमें इस सर्किट में करंट की वैल्यू निकालनी हमें क्या पता होना चाहिए? V/Z. ठीक है, V तो है हमारे पास, हमें Z चाहिए. Z क्या है? इस सर्किट की इम्पीडेंस. इम्पीडेंस किसके इक्वल आएगी? R² + XL². तो हमें पहले XL की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सप्लाई कितनी गिवन है. हमें यहाँ पे पहले XL लिख लेते हैं, दैट इज 2πf × L. ठीक है, L की वैल्यू पता चलेगी तभी तो यहाँ पे XL निकालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सोर्स कितना लिया था? 100 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50. जब हमने इनको सीरीज में लगाया, हमने ये सप्लाई भी तो चेंज कर दी, तो
हमें पहले इस इंडक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसकी रिएक्टेंस कितनी होगी। अब ये जो है एक्सएल, यहाँ पे देखो एक्सएल क्या हो जाएगा, वोल्टेज ओवर करंट। एक्सएल क्या है हमारे पास, इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, वी अपॉन आई। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी है 100, करंट कितना है 8, 2 पाई, फ्रिक्वेंसी कितनी दी 50 इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल किसके इक्वल आ गया 100 अपॉन 8, ये सारा फैक्टर नीचे जाएगा 2 पाई इंटू 50, इफ 0 कैंसल, 5 टू द 10, 2 से 2 कैंसल, तो एल की वैल्यू आ गई 1/8 पाई। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेम सोर्स के साथ कनेक्ट किया था ना इस रेजिस्टेंस को, तो वोल्टेज ओवर करंट, वोल्टेज कितनी दी 100 वोल्ट, करंट कितना है 10, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 10 ओम मिल गई। अब क्योंकि यहाँ पे एसी सप्लाई जो दी है उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी, तो यहाँ पे रिएक्टेंस की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, तो एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई f इंटू l। अब यहाँ पे जो सोर्स लगाया उसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे फिल करेंगे 2 पाई, फ्रिक्वेंसी कितनी है 40, एल की वैल्यू कितनी है 1/8 पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल, 2 4 और ये 10, तो इंडक्टर की रिएक्टेंस मिल गई 10। अब इम्पीडेंस निकाल लेते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो ये 100 200 रूट आ गया, यानी कि 10 रूट 2 लिख सकते हैं इसको। अब हमें करंट निकालना है, तो सप्लाई कितनी दी 150 डिवाइडेड बाय 10 रूट 2, इम्पीडेंस की वैल्यू ये कैंसिल, तो करंट की वैल्यू कितनी मिली 15/√2। ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। इफ ए बी आर आइडेंटिकल बल्ब्स, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, कौन सा बल्ब जो है वो ब्राइटर ग्लो करेगा। अब देखो ये बल्ब किसके साथ कनेक्ट है, ए वाला इंडक्टर के साथ, जिसकी वैल्यू क्या है 100 मिली हेनरी, यानी कि 100 × 10⁻³ - 3 हेनरी, 10⁻¹ हो जाएगा ये, यानी कि 0.1 हेनरी की वैल्यू आ गई। अब बी बल्ब जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, कैपेसिटर के साथ, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है 10 पिको फैरड, पिको फैरड को फैरड में कन्वर्ट करना है, तो ये आ गया 10⁻¹⁺ फैरड। अब हम रिएक्टेंस की देख लेते हैं वैल्यू, एक्स सी क्या होगा 1/ωc। अब देखो यहाँ पे सी कैपेसिटेंस जो है वो वैल्यू बहुत कम है, यानी कि इंडक्ट जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस मिलेगी वो लार्ज मिलेगी एज कंपेयर टू इंडक्टर। ठीक है, यानी कि एक्स सी जो है वो बहुत बड़ा है एक्सएल से। अगर कैपेसिटर की रिएक्टेंस ज़्यादा है तो बी बल्ब तो ग्लो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो ये जो ए बल्ब है ये ग्लो करेगा ब्राइटली। ए इज द करेक्ट आंसर। ए 280 ओम इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट इलेक्ट्रिक लाइन, पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द बल्ब। अब वोल्टेज सप्लाई कितनी है 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितनी है 280 ओम, करंट कितना फ्लो करेगा बल्ब से, दैट इज 200/280, 4547, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है ये 5/7। ये जो करंट अप्लाइंसेस में फ्लो कर रहा है ये कौन सा करंट होता है, ये आरएमएस वैल्यू होती है। तो हमें तो पीक वैल्यू पूछी है, तो जो आई आरएमएस होता है वो किसके इक्वल होता है I0/√2, तो पीक वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई I RMS × √2, तो ये आ गया 5/7 × √2। इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये अप्रॉक्सीमेट 1 एम्पियर के इक्वल आता है, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। इफ ई नॉट रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन द एसी सर्किट, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी। अब हमें पता है एसी सर्किट में जो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ई नॉट बाय √2,
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द एल आर सर्किट द रेजिस्टेंस वैल्यू इज 8 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू गिवन है, इम्पिडेंस निकालना है। अब क्या है, एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, सीरीज में ये एसी सप्लाई दी हुई है। हमें इस सर्किट की जो है इम्पिडेंस निकालनी है। इम्पिडेंस कैसे निकालेंगे इसकी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कितना गिवन है 8, एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है 6, तो 8 64 प्लस 36, ये हमारे पास कितना आ गया 100, और ये 10 ओम जो है वो इम्पिडेंस आ गई सर्किट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू, तो जो आई आर एम एस वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की, वो क्या होती है, आई नॉट बाय रूट टू, तो 1/√2 टाइम्स द पीक वैल्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। What will be phase difference between virtual voltage and virtual current when the current in the circuit is wattless? अब ये wattless का मतलब क्या होता है, कि अगर हमारा जो करंट है वो कैसा है, wattless है, तो इसका मतलब होता है कि इसके corresponding जो power consume होगी that will be zero. अगर power consume हो रही है वो zero है, हमारे पास formula होता है cos phi is equal to power over Vrms into Irms। अब वॉटलेस करंट के लिए हमारे पास जो पावर कंजम्पशन है वो जीरो आ रही है, तो यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, और फाई की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 90 डिग्री, तो फेज डिफरेंस कितना मिला 90 डिग्री। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन एन एलसीआर सर्किट व्हेन। अब पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होता है एलसीआर सर्किट में, जब रेजोनेंस कंडीशन आती है। रेजोनेंस कंडीशन में जो पावर फैक्टर है वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी कंडीशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आउटपुट करंट वर्सेस टाइम कर्व फॉर द रेक्टिफायर इज शोन इन द डायग्राम। एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट इन दिस केस। अब हमें आई एवरेज वैल्यू निकालनी है, वो हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन आई डी टी ओवर इंटीग्रेशन डी टी। अब यहाँ पे करंट देखो कैसा है, साइनोसोडियल है, तो यहाँ पे करंट की इक्वेशन ले लेते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि साइनोसोडियल एसी करंट की ऐसी ही आती है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो हमने जो एसी करंट दिया है वो तो इसी फॉर्म में होगा ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये जीरो से टी बाय टू में देख लेते हैं लिमिट हमारी, ये पॉजिटिव साइकिल जो जा रहा है, तो हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से टी बाय टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन जीरो से टी बाय टू और ये डी टी। आई नॉट बाहर आ गया, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होगी, कॉज ओमेगा टी बाय ओमेगा इंटीग्रेशन जीरो टू टी बाय टू, नीचे टी इंटीग्रेशन करने के बाद मिल जाएगा, तो ये मिला माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉज ओमेगा, टी की जगह टी बाय टू फिल कर दिया, कॉज जीरो डिवाइडेड बाय टी बाय टू, तो माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, ये टू अपॉन टी आ गया, कॉस ओमेगा बाय टू, टी को हम लिख सकते हैं टू पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड क्या होता है टू पाई बाय ओमेगा के इक्वल, कॉस जीरो वन, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो माइनस टू आई नॉट बाय ओमेगा, इस टी को भी चेंज कर देते हैं टू पाई बाय ओमेगा के साथ, तो ये कॉस पाई आ गया माइनस वन, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, यहाँ पे से टू कैंसिल हो गया, तो माइनस आई नॉट बाई पाई, कॉस पाई इज माइनस वन माइनस वन, तो ये बना टू आई नॉट बाई पाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन द सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट वोल्टेज अक्रॉस आर इज, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज गिवन है 100 वोल्ट,
एंड आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 किलो, ठीक है। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रो फैरड, दैट इज 2 × 10⁻⁶ फैरड। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू है 200 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस एल। तो एल के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस एक्सएल की रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होती है, ओमेगा एल। अब हमें ये वैल्यूज चाहिए, करंट चाहिए और ये वैल्यूज चाहिए। अब देखो ये रेजोनेंस पे पूछ रहे हैं, तो एट रेजोनेंस क्या होता है हमारे पास, ओमेगा एल किसके इक्वल होता है, 1/ओमेगा C के, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये चेंज हो जाएगा, वी एल इज आई डिवाइडेड बाई ओमेगा सी कर देंगे। अब हमारे पास सी की वैल्यू भी, ओमेगा भी, करंट चाहिए। करंट कितना फ्लो करेगा, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज गिवन है, दैट इज 100, और रेजिस्टेंस कितनी है, 1000। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0.1 हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। अब वोल्टेज निकाल लेते हैं, 0.1, ओमेगा की वैल्यू 200, सी की वैल्यू 2 × 10⁻⁶। ये 0 हटा दिया और ये 2 × 10⁻⁶, ये आया 1/4 × 10⁻³⁶ - 6 - 3, 1/4 × 10⁻³⁰, 0.25 × 10⁻³⁴। तो ये यहाँ से मिलेगी 250 वोल्ट, ऑप्शन सी। ये जो क्वेश्चन है इसकी कुछ मिसिंग है स्टेटमेंट में, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है थोड़ी सी। यहाँ पे बोला गया है कि जो डायरेक्शन है वो करंट की रिवर्स कर दी प्रीवियस क्वेश्चन में। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एक इंडक्टर था, कैपेसिटर था, एलसीआर सर्किट था। तो अगर रेजिस्टेंस लगाएं, यहाँ पे हमारे पास आ गया डॉक्टर और ये कैपेसिटर और ये एसी सप्लाई, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। अगर पहले करंट ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है, हमें इंडक्टर की वैल्यू गिवन ही। तो अगर इंडक्टर की वैल्यू गिवन होगी तो अब हम यहाँ पे वोल्टेज जो है वो फाइंड कर सकते, वोल्टेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं इस सर्किट के अक्रॉस। यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज थ्रू ए डिवाइस ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस गिवन है 20 ओम, के वोल्टेज गिवन है 80 sin 100 πt। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू निकालनी है। इफेक्टिव वैल्यू कौन सी होती है, आरएमएस वैल्यू, इसी को इफेक्टिव वैल्यू बोला जाता है। तो अगर हम इस वोल्टेज को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, ये जनरल इक्वेशन आ गई, तो पीक वैल्यू हमारे पास वोल्टेज की कितनी आ जाएगी, 80। तो करंट यहाँ से कितना मिला हमें, E0/Z, तो ये पीक वैल्यू ही मिलेगी करंट की, क्योंकि पीक वैल्यू वोल्टेज यूज कर रहे हैं। I is V/R, ये 80/20 यानी कि 4। तो हमें IRMS निकालना है, वो क्या आएगी, I0/√2 यानी कि 4/, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.828 है, ऑप्शन बी। इन द आरसी सर्किट वाइल चार्जिंग, आरसी सर्किट है हमारे पास, चार्जिंग कर रहे हैं हम, द ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉग आई वर्सेस टाइम इट इज शोन बाय द डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन इसकी रिप्रेजेंटेशन है। फिर आई इज द करंट, व्हेन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड, विच ऑफ द सॉलिड का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस टाइम। अब सर्किट कैसा है हमारे पास, आरसी सर्किट। तो यहाँ पे ग्राफ किसके बीच में है, नेचुरल लॉग आई और टी के बीच में, ऑब्वियस है। पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर्किट को, करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ लगा देते हैं,
ठीक है, तो ये मान लो सप्लाई आप दे रहे हो ई, तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, आई इंटू आर, अगर करंट आई वो फ्लो कर रहा है, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी, क्यू बाई, करंट को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी आर प्लस क्यू बाई सी, यहाँ से डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू अपॉन आर सी इज इक्वल टू ई बाई आर। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, हम इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास जो क्यू की वैल्यू आएगी कुछ आएगी, जी यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर आएगा, क्यू नॉट लिख रही हूँ मैं, इस इसको सॉल्व करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 1 - e की पावर -t/rc। ठीक है, हमें तो करंट चाहिए तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डी क्यू बाई डी टी लेंगे, दैट इज करंट, तो करंट की जो इक्वेशन आ जाएगी आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब ग्राफ किसके बीच में है, नेचुरल लॉग आई और टी के बीच में, तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो ये क्या बना, नेचुरल लॉग आई नॉट माइनस टी बाई आर सी। अब इसको कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के, तो y के क्रॉस तो नेचुरल लॉग आई, x के क्रॉस क्या है t, तो स्लोप क्या मिली यहाँ पे, -1/rc। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, स्लोप जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तभी तो कर्व ऐसे नीचे की तरफ जा रही है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग डायरेक्शन है ये, और इंटरसेप्ट कितना है नेचुरल लॉग आई नॉट। तो क्या बोला है, रेजिस्टेंस डबल कर दी, अगर रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो ऑब्वियस है स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्लोप क्या होगी, कम होगी, अगर स्लोप डिक्रीज कर रही है तो यहाँ पे देख लेते हैं किसकी स्लोप कम है, तो यहाँ पे जो क्यू ऑप्शन है क्यू वाली, ये बेस्ट है इसको रिप्रेजेंट करने, ठीक है, ये हमें स्लोप जो है वो कम चाहिए। दूसरी बात, अगर टाइम टी जीरो की बात करें तो वहाँ पे अगर टी जीरो फिल कर दें तो करंट की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो भी इस सिचुएशन में सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्यू जो है वो बेस्ट कर्व है जो रिप्रेजेंटेशन करेगी, क्योंकि स्लोप जो है डिक्रीज कर रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट लाइन बनेगी क्यू वाली। थैंक यू।